यूपी में योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे करीब 17,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी हो गई है, जबकि 125 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा लिया गया है। कई जगहों पर लाउड स्पीकर को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है और इसी कड़ी में बलरामपुर में भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाया गया। बलरामपुर जिले में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक और धर्म स्थलों पर बिना अनुमति से लाउड स्पीकर को धर्म गुरुओं की आपसी सहमति से हटाया गया। जिले में धार्मिक और सार्वजनिक स्थल से करीब 740 लाउड स्पीकरों को स्वेच्छा से हटवाया गया। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर के महंत योगी मिथिलेश दास और जामा मस्जिद बलरामपुर के मुलतवी मोहम्मद उस्मान अंसारी ने भी लोगों को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की अपील की। धार्मिक सौहार्द और इस देश के अंदर जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है और क्योंकि सरकार का निर्देश है और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आज हम लोगों ने भी शक्तिपीठ देवपाटन मंदिर से जो है 4 स्पीकरों में से 3 स्पीकर उतार दिए गए हैं और सरकार का समर्थन किया गया है, ताकि सभी धार्मिक स्थलों से अपील भी है साथ साथ में कि वो भी अपने इन कार्यों को करें और किसी प्रकार का कोई जो है रुझान ना पैदा हो, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है लोगों के अंदर। बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होता है, सवेरे ज़्यादा जो है कि तेज़ आवाज़ होती है तो बहुत सारे लोग जो है कि बीमार होते हैं, उनको जो है परेशानी होती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों का आवाज़ कम करने का और लाउड स्पीकर उतारने का जो निर्देश जारी किया है उसको हम लोगों ने पूर्ण रूप से जो है कि पालन किया है। मैं एक बार फिर से सभी धर्म गुरुओं से और सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि जहाँ पर भी जो है इस तरीके के स्पीकर लगे हुए हैं, साउंड लगे हुए हैं, उनको एक सीमित आवाज़ में करें और 4 है तो 1 लगाएं, 3 उतार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद उस्मान, पुत्र मोहम्मद उमर, मोहल्ला गोविंद बाग का निवासी हूँ। मैं जामा मस्जिद व ईदगाह बीबी बानी साहिबा ईदगाह का मुतवल्ली हूँ। मैं शासन आदेश व मुख्यमंत्री के जी के आदेश के अनुसार मैं सुरक्षा से अपनी मस्जिद का लाउड स्पीकर उतार रहा हूँ और अन्य लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री व शासन आदेश के पालन करें और माइक लाउड स्पीकर जो है उतार लें। तो वहीं लाउड स्पीकर हटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अम्बेडकर नगर से भी सामने आई, जहां योगी सरकार के फरमान जारी होते ही धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। अम्बेडकर नगर में भी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। अकबरपुर, टांडा और जलालपुर में धार्मिक स्थलों से करीब 2 दर्जन से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। साथ ही धर्म गुरुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। इस दौरान SDM पवन जायसवाल और सदर CO मौजूद रहे। SDM ने बताया कि प्रशासन से अनुमति लेकर एक लाउड स्पीकर लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न जाने पाए। तेज आवाज बाहर जाने पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 2017 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के आदेश के क्रम में सभी मंदिर मस्जिद जिस पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं बिना परमिशन लगे हुए हैं उनको उतारने के लिए नोटिस दी गई है और नोटिस का समय आज शाम तक पूरा हो रहा है। उसके बाद धर्म गुरुओं से सीधे संवाद समन्वय सर्व के उसे बिना परमिशन जितने भी हैं उनको हटाया जाएगा और जो परमिट है केवल एक अलाउ किया जाएगा और निर्धारित डिस्टेंस में ही वो जा सकते हैं और उसकी जो आवाज़ है उनके बाउंड्री वॉल के अंदर रहेगी, बाहर नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद यूपी पहुंचने पर तूल पकड़ लिया था। लाउड स्पीकर से अजान रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने मंदिरों और अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। विवाद बढ़ते ही माननीय हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद योगी सरकार ने सभी धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए थे। अब यूपी में लाउड स्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगा। पंजाब केसरी TV के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दकी और अम्बेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।